हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव कैसे हैं आप लोग आई होप खुश होंगे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे हैप्पी होंगे डियर आज का टॉपिक जो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट है थर्ड पार्टी डेली अपडेट में आपके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जीज देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर अभी किस सिचुएशन में है क्या तकलीफ उनको हो रही है क्या वजह है उनके दुख ही की और डियर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं क्या फीलिंग्स है क्या इमोशंस है, है वो चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे ठीक है और थर्ड पार्टी के साथ में उनका रिलेशन जो है वो कैसा चल रहा है वो ज की तरफ भी हम फोकस करेंगे डियर अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस की वजह थर्ड पार्टी है या फिर थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट की वजह थर्ड पार्टी है तो ही ये वीडियो देखिएगा अगर आपको नहीं लगता है तो जबरदस्ती इस वीडियो को देखकर अपनी लव रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव चीजों को ले लिया की नेगेटिव चीजों को छोड़ दिया कीजिए जब आप पॉजिटिव चीजों को रखते हैं अपने पास तो पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स तक डिवाइन तक पहुंचती है ठीक है तो हमेशा पॉजिटिव चीजों को लिया कीजिए क्योंकि अगर आप नेगेटिव बातें सोचेंगे नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी ठीक है तो चलिए शफलिंग हो चुकी है और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कार्ड निकलते हैं यूनिवर्स जो है डिवाइन जो है हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है फाइव ऑफ कप्स आया है जब तक एनर्जी मिलेगी मैं तभी तक कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद में हम कार्ड्स बंद कर देंगे ओके डियर तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर हमारे पास में एट ऑफ की एनर्जी है द एम्प्र भी है डियर आपके सामने नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर एट ऑफ कप्स एट एट की एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है टेन ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहा है यहाँ से हमारे पास में स्ट्रेंथ का कार्ड है डियर आपके सामने है कार्ड द वर्ल्ड की एनर्जी हमारे पास में आई है फाइव ऑफ है ठीक है फाइव ऑफ आया है टू ऑफ आया है द मैजिशियन आया है तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है ठीक है तो जो हमारे पास में एनर्जीज आई थी वो मैंने आपको बता दी है बॉटम की एनर्जी से अगर आप देखें तो थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बॉटम की एनर्जी हमें दिखा रही है ओके तो यहाँ पर हमारे पास में थ्री ऑफ सोर्ट्स जो है बॉटम की एनर्जी की तरफ से दिखाई दे रहा है ठीक है चलिए इसे हम साइड कर देते हैं ताकि हमें पता रहे चलिए फोकस करते हैं कार्ड्स के तरफ ताकि आपको कार्ड सारे दिखाई दे सके की क्या कार्ड्स आए हैं क्या एनर्जीज़ है तो देखिये साइन की बात करी जाए तो डियर यहाँ पर जेमिना लिब्रा एक्वेरियस के एनर्जी दिखाई दे रही है वो भी बहुत कम है और उसके अलावा हमारे पास में जो चीज दिखाई दे रही है वो है एरीज लियो सेजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टोरस वर्गो कैप्रिकॉन तो ये एनर्जी हमारे पास में दिख रही है कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है उसमें काफी चीजें दिख रही है डियर देखिए क्योंकि बॉटम के एनर्जी से हमारे पास में थ्री ऑफ सोर्स आया है यहाँ से हमारे पास में जो बॉटम से आया है वह टावर तो ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं? ये दोनों कार्ड्स किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं ये दोनों कार्ड्स का क्या मतलब है ठीक है तो वो चीज हम यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले तो डियर आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा आप इस कार्ड को देखिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा लग रहा है कि रिश्ते में भूचाल आ गया है बहुत बड़ा भूचाल आपके रिश्ते में आ गया है यहाँ बहुत तकलीफ रही है यहाँ बहुत दुख रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत टेंशन दिख रहा है बहुत बहुत ज्यादा टेंशन वाली एनर्जी दिख रही है आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है कोई चीज दिल से उतर गई है आपके मेरे व्यूवर्स आपके दिल में किसी ने बहुत जगह बना रखी थी बहुत सारी उसके लिए आपके दिल में इमोशंस थे प्यार था पर उतर गया है कोई तो है जो आपके दिल से आपकी नजरों से उतर गया है है ना देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो आप इस रिश्ते का दिल में ही कहीं ना कहीं आपने उस रिश्ते को दफन कर दिया है होता है ना कि हम उस रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हैं बहुत प्यार है बहुत इमोशंस है सब कुछ है लेकिन जब स्थितियां इतनी खराब हो जाती है कि चीजें सही नहीं हो सकती है तो हम उसे क्या कर देते हैं अपने दिल में दफन कर दिया तो ऐसी सिचुएशन यहां पर दिख रही है कि आपने उन चीजों से मुंह मोड़ लिया है उस रिश्ते से आपने अपना दिल हटा लिया है दफन करके बैठ चुके हो सारे जज्बात दफन करके बैठ चुके हो सारी फीलिंग सारे इमोशंस वो सब क्यों क्योंकि सब कुछ खत्म करने की वजह यहाँ पर अगर निकली है तो ब्रेकअप है ब्रेकअप हो चुका है हो सकता है कुछ लोगों के बीच में अभी भी और कुछ लोगों के पार्टनर ब्रेकअप करके जा चुके हैं ठीक है आप दोनों में जो दूरी आई आप लोगों में जो डिस्टेंस आया है लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अभी फिलहाल अगर उनकी बात करें तो डियर आपको लेकर उनके कुछ फीलिंग्स उनके कुछ इमोशंस इस तरह के हो रहे हैं कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं मिस कर रहे हैं लवर्स का कार्ड है मिसिंग एनर्जी है देखिए इसी तरह का प्यार आपके लिए वो पार्टनर जो है फील कर रहा है आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स उनके दिल में जाग रही है आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं ब्रेकअप भी हो गया है दूर भी हो गए हैं आपसे दूर जाने की वजह उनको समझ आ रही है तो भी अगर आपके बीच में ब्रेकअप हुआ है ना और ये पार्टनर और आपके बीच में नो कम्युनिकेशन है फिर भी ये पार्टनर जो है आपको मिस कर रहा है फिर भी ये पार्टनर जो है आपको लेकर कुछ चीजें रियलाइज कर रहे हैं कुछ चीजों को समझ रहे हैं वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मिसिंग एनर्जी है और आ, देखिए ये बात जो है आपको जानना जरूरी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने बहुत बुरी सिचुएशन है जिसको हम यू बोलेंगे थ्री ऑफ सोर्स की सिचुएशन दिल टूट रहा है तकलीफ हो रही है ऐसे सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ठीक है आपके पार्टनर के सामने बहुत बुरी सिचुएशन आ गई है बहुत बुरी कंडीशन में आपके पार्टनर खड़े हुए हैं और आपके पार्टनर को नीड है किसकी नीड है पता है जरूरत है किसकी जरूरत है आपकी जरूरत है आपको मिस कर रहे हैं ना इसीलिए तो आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि उनको आपकी हेल्प चाहिए उनको आपकी याद आ रही है उनको आपकी जरूरत है तो आपके पार्टनर आपके साथ खड़े होना चाहते हैं मिसिंग एनर्जी है सैड है दुखी है बहुत ज्यादा दुख में डूबे हुए हैं आपके पार्टनर उन दुख में जिसमें हमेशा आप कहीं ना कहीं साथ दिया करते थे तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर डिप्रेस्ड बहुत ज्यादा हैं आपके पार्टनर डिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं आपसे मिलना भी है आपसे बात भी करना है फिजिकल होना है आप ही उनका सुकून है आपके पार्टनर को ये रियलाइज होता है कि जब वो आपके करीब करीबोते कार्ड्स को देखिए आपको जो फीलिंग्स आ रही है जो इमोशंस आ रहे हैं वही चीजें यहाँ पर सामने दिख रही है मुझे दिख रहा है कि आपकी फीलिंग्स आप अपने पार्टनर को इतना नजदीक पाकर यही फील करते हो जैसा ये कार्ड दिखा रहा है वैसे ही आप अपने आप को फील करते हो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अपने पार्टनर के बाहों में आप अपने पार्टनर के पास जब जाते हो तो डियर ऐसा दिखता है कि आप अपने पार्टनर के बिना रह नहीं सकते हो यहाँ पर वही फीलिंग्स वही इमोशंस इस पार्टनर के मुझे दिखाई दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको लेकर इनके दिल में दिमाग में चीजें चल रही है और ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर रहना चाहते हैं उनको आपके साथ में सुकून मिलता है आपके पार्टनर के ऊपर जैसे कोई जादू सा हो गया है अभी कोई मैजिक चल रहा है उनके ऊपर ऐसा छा गया है आपके प्यार का जादू कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं है ना आपके साथ रहना चाहते हैं लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं रहना है सिंसियरिटी आपको दिखाना चाहते हैं ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है पार्टनर लड़ने को भी तैयार है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्ड्स कार्ड्स बता रहे हैं पार्टनर जो है लड़ने को भी तैयार है इनको कोई आ, जैसे होता है ना कोई नेगेटिव हवा जो है वो बहका रही है तो कहीं ना कहीं बहक भी रहे हैं आपके पार्टनर पार्टनर करना नहीं चाहते हैं आपके साथ में कुछ गलत पर करना पड़ रहा है पार्टनर नहीं चाहते हैं कि सिचुएशन जो है वो लड़ाई वाली हो जाए पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जंग हो जाए है ना ये सोर्स उठाएं या आपसे लड़े ऐसा पार्टनर नहीं चाहते हैं फिर भी आपके पार्टनर को मजबूर कर रहा है कौन नेगेटिव एनर्जी डार्क एनर्जी आपके पार्टनर को मजबूर कर रही है कि आपके पार्टनर एक तलवार उठाकर कही कहीं ना कहीं मयान में निकल आए और कहीं ना कहीं लड़े आपसे फाइट करे ऐसे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं एडवाइस ले सकते हैं क्योंकि ये जिस पर भरोसा करते हैं उससे बात कर रहे हैं आपके लिए हो सकता है कि आपकी बातें आपके फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके पार्टनर के दोस्त यार जो है वो मजे ले रहे हैं पता है क्या होता है कि आपके पार्टनर इन लोगों के पास चले तो जाते हैं कुछ लोगों से एडवाइस ले, ले लेते हैं आपके बारे में बात करते हैं भरोसा इतना करते हैं लोगों पर कि उनसे अपने दिल की बातें बोल देते हैं लेकिन जो लोग है ना वो कहीं ना कहीं कहते ना कि दोस्त के रूप में कुछ दुश्मन भी छुपे होते हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दोस्त जो है खास दोस्त उसमें कई ऐसे दोस्त भी है जो कहीं ना कहीं पीछे से मजाक बनाना शुरू कर देते हैं लाइफ का है ना सामने तो हम बनते हैं लेकिन जैसे ही पार्टनर पीछे होते हैं तो पार्टनर के पीठ पीछे कहीं ना कहीं बुराई करना शुरू कर देते हैं आपके पार्टनर के दोस्त यार जो हैं वो मजे ले रहे हैं पार्टनर के पार्टनर को पार्टनर के जो फ्रेंड्स है ना उनको कहीं कही ना कहीं हो सकता है गलत चीजों की आदत है किसी तरह का कोई एडिक्शन किसी तरह की कोई लत उन लोगों को लगी हुई है और आपके पार्टनर उन सब चीजों से भागते हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं आपके ना होने पर आपके पार्टनर को गलत एडवाइस दे रहे हैं आपके पार्टनर को गलत चीजों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं गलत बातों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टनर को नहीं पता कि कोई पार्टनर के साथ कुछ तो गलत करने वाला है पार्टनर को अंदाजा भी नहीं है लेकिन यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि कोई तो है जो पार्टनर को किसी जाल में फंसाने वाला है कोई तो है जो पार्टनर को कहीं ना कहीं गलत रास्ता दिखा रहा है तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है और हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई फसाना चाहता है किसी माया जाल में किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कोर्ट केस है या कुछ चीजें हैं वहां पर फंसाने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपके खिलाफ भी भड़का रहे हैं लोग है ना तो वो चीजें हो रही है क्यों इसलिए भड़का रहे हैं क्योंकि उनको तो भाई आपके पार्टनर को अगर वो किसी एडिक्शन में लगाते हैं किसी गंदी आदत में लगाते हैं तो उनको फ्री में सब कुछ मिल पाएगा तो वो चीजों के लिए ही आपके पार्टनर को मोहरा बना रहे हैं आपके पार्टनर को बहला के फुसला के उनकी आदतें बिगाड़ देंगे और उसके बाद में फिर आपके पार्टनर पे डिपेंड हो जाएंगे मौज मस्ती करेंगे एंजॉय करेंगे तो ये इन लोगों की सोच यहां पर दिखाई दे रही है और ये पार्टनर को चीज जो है पता चलेगी ठीक है कुछ चीजें जो है आपके पार्टनर के सामने आएगी आप और आपके पार्टनर के बीच मनी इशू भी आ सकता है हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में पैसों को लेके कुछ जगलिंग वाली सिचुएशन आ सकती है वो चीज मुझे दिखाई दे रही है और डियर यह देखिये यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पैसों को लेके कुछ इशू निकल सकता है ये पार्टनर अपनी गलती को लेकर बहुत कुछ करने वाले हैं जो गलत इन्होंने किया है पैसों को लेके आपके साथ में जो फाइट किया है जो गलत एटीट्यूड दिखाया है जो मिस्टेक इन्होंने किया है उन्हें ये सही करेंगे ठीक है आपके पार्टनर के दोस्त पार्टनर को गलत तरफ ले जा रहे हैं गलत एडवाइस दे रहे हैं गलत बातें सिखा रहे हैं मिस गाइड गय... कर रहे हैं और डियर आपके पार्टनर बीमार भी हो चुके हैं हो सकता है कि गंदी बातों को सिखाते सिखाते आपके पार्टनर कहीं ना कहीं गंदी लतों में पड़ गए हैं किसी तरह का कोई एडिक्शन किसी तरह की स्मोकिंग किसी तरह का कुछ तो आपके पार्टनर यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं और ये चीजें लोगों ने करी है ठीक है ताकि आपके पार्टनर को वो कहीं न कहीं बहका सके मिस गाइड करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर बीमार मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको कोई हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है कुछ चीजें ऐसी हो रही है जहां पर उन्हें हेल्थ इश्यू आ रहा है और पार्टनर की केयर करते करते कई लोग जो हैं वो सुना भी रहे हैं होता है ना कि जैसे पार्टनर जो हो सकता है आपसे दूर हो गए हैं आपके पास में है नहीं और कोई और इनकी केयर कर रहा है तो जहां पर भी ये पार्टनर जिस पर भी डिपेंड है या जिस थर्ड पार्टी के पास में ये पार्टनर गया है तो वो थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को बहुत ही नेगेटिव बोल रही है बहुत ही आपके पार्टनर की केयर तो कर रहे हैं पर हर बात में केयर करते करते ताना मारना हर बात में केयर करते करते बातें सुनाना इस समय पार्टनर किसी बड़े कर्मा को भुगत रहे हैं डियर हो सकता है कि इस समय आपके पार्टनर की डार्क नेगेटिव एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को घेर रही है ठीक है आप दोनों का दोबारा से रियूनियन हो सकता है रियूनियन होने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है अच्छी लाइफ गुजारोगे लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि पार्टनर ने गलत किया है पार्टनर ने एक सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी है कि आप दोनों जो है एक अच्छी लाइफ बिताते बिताते इतनी ज्यादा दूर आप लोगों के रिश्ते में आ गई है अब पार्टनर को दोस्तों की बातों में आकर बुरा भला किया आपके साथ में दोस्तों की बातें मान मान कर आपके साथ में कहीं ना कहीं लड़ाई करी झगड़े करे आप पर ट्रस्ट नहीं करा वो चीज मुझे दिखाई दे रही है अब एहसास होगा पार्टनर को अब आपके पार्टनर जो है गलत चीजें जो करी है उन सब चीजों को कहीं ना कहीं रियलाइज करेंगे जो मिस्टेक इनसे हो गई है उस मिस्टेक के लिए ये आपसे माफी भी मांगेंगे डियर अब समय जो है गुजर गया है और और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है तो यहाँ पर आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है ये कार्ड कुछ बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो चुका है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो कहीं नहीं ये फील कर पा रहे हैं अगर हम बात करें थर्ड पार्टी की तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी और पार्टनर की फीलिंग्स को देखा जाए तो पार्टनर को बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी से डंडे पड़ रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से मार खा रहे हैं थर्ड पार्टी जो है उन्हें डंडे बरसा रही है किसी बात को लेकर लड़ रही है वो चीज यहाँ पर निकल के आ रही है और ये अकेला छोड़ के भागेगी थर्ड पार्टी क्योंकि इसकी तो आदत दिख रही है इसकी नस नस से आपके पार्टनर वाकिफ है फिर भी आपके पार्टनर पता नहीं इस थर्ड पार्टी को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं क्यों इसको इतना तवज्जो देते हैं ये समझ नहीं आ रहा है आप यकीन मानिए कि पार्टनर को जो थर्ड पार्टी से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो डंडे पड़ रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा भारी डंडे हैं यानी ऐसे डंडे हैं ये समझ लीजिए कि ये थर्ड पार्टी जो है ना आपके पार्टनर को किसी बात के पीछे फाइट करने वाली है डंडे बरसाने वाली है और डियर छोड़ के भागेगी ये धोखा देगी है ना धोखे से ही कुछ करने वाली है तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो है कुछ ऐसा धोखा आपके पार्टनर को देने वाली है जहां पर आपके पार्टनर जो है कोई कोर्ट केस जेल कोई आ, किसी तरह का कोई फ्रॉड करना उसमें उलझ सकते हैं तो ये ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर को फंसाने वाली है धोखे से कुछ करने वाली है कुछ प्लानिंग कर रही है ये थर्ड पार्टी डियर लोगों के साथ जुड़ी हुई है और पार्टनर फंसे हुए हैं बहुत कुछ होने वाला है बहुत कुछ डियर बहुत कुछ होने वाला है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच लेन देन को लेकर बहुत फाइट हो रही है आपके पार्टनर यहां पर भी मुझे लेन दिखाई दे रहा है आपके साथ में भी लेन को कर आपके पार्टनर जो हैं पीछे पड़े हुए थे कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए मुझे इतनी नीड है या मुझे अपने घर वालों से दिला दो तो आपसे भी आपके पार्टनर ने ये चीज करी थी लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में पैसों को लेकर बहस छिड़ी हुई है पैसों को लेकर बहुत ज्यादा तमाशा बन रहा है वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है दोनों के बीच में फाइट चल रही है थर्ड पार्टी पार्टनर को दबा रही है पीट रही है झुका रही है ये थर्ड पार्टी जो है अपने पैरों में पार्टनर को झुकाना चाहती है अपने पैरों में पार्टनर को कहीं ना कहीं झुकाकर रखना चाहती है ठीक है तो ये क्या कर रही है थर्ड पार्टी क्यों झुकाना चाहती है क्योंकि आपके पार्टनर के ईगो को हर्ट करना चाहती है आपके पार्टनर को झुकाकर ये दिखाना चाहती है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को किसी भी तरह से मोल्ड कर सकती है किसी भी तरह से झुका सकती है थर्ड पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी अपने पैरों में झुकाकर बहुत सुकून पाती है कहीं ना कहीं पावर दिखाती है है अपना रुतबा दिखाती है आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टी के साथ में ऐसा भी दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के चमचे भी शामिल है जो पार्टनर को कहीं ना कहीं उनकी नाक में दम करके रखे हैं कहीं ना कहीं पार्टनर को गलत एडवाइस देते हैं कहीं ना कहीं पार्टनर को गलत चीजें समझा रहे हैं तो वो चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी के चमचों ने पार्टनर को गलत रास्ता दिखाया है थर्ड पार्टी के जो चमचे है ना वो पार्टनर को गलत एडवाइस दे रहे हैं आपके पार्टनर को ऐसी एडवाइस दी जा रही है जिससे आपके पार्टनर जो है अल्कोहल ले स्मोकिंग करें तो कुछ गलत चीजों की तरफ कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के चमचे जो हैं आपके पार्टनर को बहकाना चाहते हैं वजह क्या है जब आपके पार्टनर किसी एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे तो थर्ड पार्टी का जो काम है वो आसान हो जाएगा थर्ड पार्टी जो है मनी माइंडेड है थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर से पैसा चाहती है और उसे पता है कि जब आपके पार्टनर जो है जब वो बेहोश होते हैं या ऐसी हालत होती है तो उनको कुछ समझ नहीं आता है और आसानी से वो आपके पार्टनर के सिग्नेचर ले सकती है या आपके पार्टनर की प्रॉपर्टी ले सकती है और आसानी से आपके पार्टनर सारी चीजें उसको दे सकते हैं तो उस चीज का फायदा उठाना चाहती है पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की बात को मानना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने फैमिली वालों को भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में शामिल करके रखा है और ये फैमिली वाले जो हैं आपके पार्टनर को कंट्रोल करते हैं आपके पार्टनर को ये कहते हैं कि भाई आपने जो प्रॉमिस किया है थर्ड पार्टी से जो आपने कहीं ना कहीं कस्में खाई है वादे किए हैं उसे पूरा करने का समय आ चुका है तो आपके पार्टनर पे प्रेशर डाला जा रहा है आपके पार्टनर को फंसाया जा रहा है और आपके पार्टनर ने जो गलती करी है वो उन्हें रियलाइज हो रही है उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जीना मुश्किल कर देगी ऊपर से इसकी फैमिली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर इतना प्रेशर डाल रही है कि आपके पार्टनर का जीना मुश्किल हो गया है आपके पार्टनर को लग रहा है कि हर पल हर क्षण उनको एक बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है थर्ड पार्टी ने पार्टनर के सारे सीक्रेट किसी और को बता दिए हैं और पार्टनर जो है डेंजर जोन में है डियर पता है थर्ड पार्टी ने पार्टनर के सारे सीक्रेट लीक कर दिए जैसे कि अपनी फैमिली को बता दिया है ना और उसने क्या कहना चाहिए कि बेशर्मी की हद होती है ना वो भी पार कर ली अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ बातें ऐसी बता दी जो रिलेशनशिप था जो भी फिजिकल था वो सब कुछ ओपन कर दिया और कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उठा के घर वाले जो हैं पार्टनर पे प्रेशर बना रहे हैं घर वाले जो हैं पार्टनर को तरह तरह से प्रेशर डाल रहे हैं कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने पार्टनर के सारे सीक्रेट किसी और को बता दिए और उसके कारण पार्टनर डेंजर जोन में जा चुके हैं और पार्टनर की हालत बहुत खराब है थर्ड पार्टी का टारगेट जो है आप दोनों में सेपरेशन कराना था ठीक है तो ये आप ध्यान से रखिए कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर सेपरेशन हुआ है तो यहाँ पर जो वजह है जो टारगेट जिसका था वो थर्ड पार्टी का था उसने टारगेट पूरा भी किया है पार्टनर के पैसों पर मजा करना पार्टनर के क्लोज आना ये थर्ड पार्टी की नीड है थर्ड पार्टी क्या चाहती है आप दोनों में सेपरेशन कराना पार्टनर के जब सेपरेशन होगा तो पार्टनर जो है आपको इग्नोर करेंगे पार्टनर आपकी बात नहीं सुनेंगे थर्ड पार्टी मौज मस्ती कर लेगी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की क्लोज आ जाएगी पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगी है ना थर्ड पार्टी ने फंसा दिया है ठीक है ऐश कर रही है ये थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी फिजिकल रिलेशनशिप बना रही है और ये अपने बॉडी के थ्रू समझ लीजिए अपने होता ना एक के दिखा दिखा कर ये क्या कर रही है आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बॉडी का यूज भी कर रही है कहीं ना कहीं फंसा रही है कहीं ना कहीं कुछ पत्ते ऐसे फेंक रही है जिसमें आपके पार्टनर जो है उलझ जाए पार्टनर जो है इसके माया जाल में फंस गए हैं हो सकता है कि पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे थर्ड पार्टी की देखने पर हो सकता है थर्ड पार्टी इतनी खूबसूरत नहीं है फिर भी आपके पार्टनर की नियत में कहीं ना कहीं खोट था इसीलिए उनको ये थर्ड पार्टी अच्छी लगी है आपके पार्टनर ने आपसे जो प्रॉमिस किए वो पूरे नहीं किए हैं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ इतने ज्यादा प्रोमिस किए थे इतने सारे वादे किए थे वो सारे वादे वो सारे प्रोमिस जो है आपके पार्टनर ने तोड़ दिया है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर कहीं ना कहीं बंदिशे लगाना चाहती है डेट पर ले जाना चाहती है डेट करना चाहती है घूमना फिरना चाहती है आपके पार्टनर के साथ में ताकि आपको जलाए तो आपको जलाने का मकसद इस थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है साजिश इस थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रही है और आपके पार्टनर को जब आप इस थर्ड पार्टी के साथ में देखोगे तो आप दुखी हो जाओगे आप बहुत उदास हो जाओगे आपका दिल टूट जाएगा और जब आपका दिल टूटेगा तो शायद आप जो है ब्रेकअप कर लोगे तो यहां पर इस थर्ड पार्टी का मकसद यही है कि आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट क्रिएट कराए ले ले आप दोनों के रिश्ते में एक दूरी लेके आए है ना इसीलिए ये आपके पार्टनर के साथ में क्लोज होना चाहती है आपके पार्टनर के साथ में नजदीकियां बढ़ाना चाहती है आपके पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं एंजॉय करना चाहती है फिजिकली रिलेशन भी बनाना चाहती है ये थर्ड पार्टी हर बात हर किसी से रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ पर ये चीजें निकल रही है कि ये थर्ड पार्टी जो है हर हदों को पार करना चाहती है किसी ना किसी तरह का यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में मिरेकल होगा डियर भले ये थर्ड पार्टी जो है कितनी भी चाल क्यों ना चल रही है आपके पार्टनर को अब डेट पर ले जाने की प्लानिंग क्यों नहीं कर रही या घूमने फिरने की प्लानिंग कर रही है तो कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर ले ये कितना भी आपको जलाने की कोशिश क्यों ना कर ले पर यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में मिरेकल होने वाला है क्योंकि ब्लेसिंग है आपका रिश्ता जो है यूनिवर्स से डिवाइन से कनेक्ट है और यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है और वो चीज मुझे दिख रिश्ते में मेरेकल होने वाला है थर्ड पार्टी ने पार्टनर को निचोड़ दिया है थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि परेशान है आपके पार्टनर ठीक है पार्टनर लॉस में है थर्ड पार्टी के साथ में थर्ड पार्टी पार्ट जो है कहीं ना कहीं रिश्तों को तोड़ती है जोड़ती तो है नहीं तो वो चीज दिखाई दे रही है कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को तोड़ना चाहती है पार्टनर कर्मा से गुजर रहे हैं यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है और ये द वर्ल्ड की एनर्जी इस बात को बता रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है ठीक है ये जो थर्ड पार्टी है इसका आपके पार्टनर के साथ में जो भी रिलेशन है एक कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है और कर्मा से आपके पार्टनर जूझ रहे हैं कर्म में जा चुके हैं आपके पार्टनर और पार्टनर दोनों तरफ घिरे हैं हो सकता है एक तरफ थर्ड पार्टी है एक तरफ आप हैं चीजों को लेकर चल रहे हैं बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टनर का एक सोच मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है डियर पर देखिये ये चीज कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है तो उस बेस पे अगर मैं आपसे बोलू तो इसे भी रख लू उसे भी रख लू इन तरफ आपके पार्टनर की नीयत मुझे दिखाई दे रही है भटकती आत्मा की तरह आपके पार्टनर जो है आपके साथ में रिलेशन बनाना चाहते हैं डियर दिख रहा है और ये पार्टनर ने जो गलत चीजें करी है जो आपके लाइफ में ये टावर मूवमेंट लाया है तो इसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है और थर्ड पार्टी की नियत ऐसी रही है कि आप जो है आपके पार्टनर की जिंदगी से चले जाए आपका ब्रेकअप कराना उसका मेन मकसद मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहस करवाना चाहती है ताकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहका सके आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं उलझा सके वो वाली एनर्जी यहां पर निकल के आ रही है डियर तो ये है थर्ड पार्टी डेली अपडेट के आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं क्या फीलिंग्स है क्या इमोशंस है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख रखी है ओके okay डियर तो वीडियो अगर अच्छा लगा है कुछ गाइडेंस मिला है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे